फूड्स एंड फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें मेरे लेटेस्ट वीडियो रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पी और फूड्स एंड फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। ये सभी को बहुत पसंद होते हैं, तो आज मैं आलू पराठे अपने स्टाइल से बनाऊंगी, जो कि मैं बहुत सालों से बनाती आ रही हूँ। आज मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आपके आलू के पराठे एकदम परफेक्ट बनेंगे। वो बेलते समय उसमें से आलू बाहर नहीं निकलेंगे और उनको सेकना भी काफ़ी आसान होगा। और आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना आलू के पराठे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमें क्या क्या चाहिए होगा इसके लिए। यहाँ मेरे पास है महीन कटी हरी धनिया। धनिया को काफ़ी महीन काटें, नहीं तो पराठा बेलते समय ये बाहर आ जाएगा और पराठे फट जाएंगे। यहाँ पर है मेरे पास धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्चें, गरम मसाला, नमक। ये गेहूं का आटा है, हम रोटी बनाने में यूज़ करते हैं। ये है आलू, इसको मैंने उबाल लिया था। उबालने के बाद मैंने इसको ग्रेट कर लिया था। तो अगर आप ग्रेट करना नहीं चाहते हैं तो आप इसको हथेली से बहुत अच्छे से मैश करें। अगर आप इसको अच्छे से ग्रेट नहीं करेंगे और मैश नहीं करेंगे तो ये आलू का पराठा में भरते समय और बेलते समय बाहर आ जाएगा। इसके साथ ही हम यूज़ करेंगे तलने के लिए तेल और थोड़ा सा पानी आटा गूंथने के लिए। सबसे पहले आलू के पराठे बनाने के लिए हम आटा गूंथेंगे। इसके लिए हम आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल डालने से आलू के पराठे काफ़ी टेस्टी बनते हैं और ये आसानी से बेल भी जाते हैं। और अब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट आटा गूंथेंगे। पानी आप ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही डालें, जिससे कि आटा अच्छे से गूंथ सकेगा। तो आप आटे को इस तरह से हथेली से दबा के मारें, जिससे कि एकदम ये सॉफ्ट हो जाएगा और इलास्टिक हो जाएगा। हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। यहाँ पे हमें आटे को इस तरह से मुट्ठी से दबा दबा के मारना है, जिससे कि एकदम सॉफ्ट और इलास्टिक हो जाएगा। आलू के पराठे बनाते समय ध्यान रखिए कि आपका आटा जितना अच्छा गूंथेगा आपके पराठे उतने ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए आटा गूंथ के अब तैयार है। हम इसको ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। और आइए अब आलू का मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए मैं ये आलू लूँगी और इसमें हम डाल देंगे ये लाल मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हरा धनिया कटा हुआ और इसमें डालेंगे नमक। और अब हम इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इस मसाले में बहुत महीन कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप आलू को ग्रेट करें या फिर बहुत अच्छे से मैश करें, कि जिसमें उसमें से उसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें, नहीं तो पराठे बेलते समय फट जाएंगे। ये देखिए हमारा आलू का मिक्सचर तैयार है और अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे, जैसे कि पराठे बेलने में काफ़ी आसानी होगी और इसको भरने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। तो ये देखिए हम इस तरह से इसके बॉल्स बना लेंगे। और आइए अब पराठों को बेलते हैं। इसके लिए मैं आटा लूँगी और मैं हल्का सा तेल अपने हाथों में लूँगी और इसको हम आटे पे लगा के एक बार फिर से हल्का सा गूंथ लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि आटा कितना सॉफ्ट और इलास्टिक हो गया है। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा हाथों में लेंगे और इसमें से एक लोई बनाएंगे।
तो यहाँ पर आप लोई ऑलमोस्ट उतनी ही बनाइए जितना कि आपने आलू का मसाला लिया है, तो आपके पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये लोई और आलू का मसाले की लोई दोनों ऑलमोस्ट बराबर साइज़ के हैं। और अब हम इस लोई को सूखे आटे में डिप करेंगे और इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। और अब हम इसमें ये आलू का मसाला रखेंगे और इसको इस तरह से प्लीट्स बनाते हुए पैक कर देंगे। ये देखिए तैयार है। इसको हम बहुत ही हल्के हाथों से दबा देंगे। और हम इसको साइड में रख लेंगे। अब हम इस लोई को थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे जिससे कि पराठा बेलने में काफ़ी आसानी होगी और वो फटेगा भी नहीं। तो जब तक ये लोई थोड़ा रेस्ट कर रही है, आइए हम एक और तरीके से आलू का पराठा बनाएंगे। इसके लिए मैं दो इस तरह के गोले लूँगी। और हम इनको बेल लेंगे। आप इनको किनारों की तरफ बेलें जिससे कि एक सार बेल सकेंगे। ये देखिए तैयार है। इसी तरह से हम एक और लोई को बेल लेंगे। ये देखिए ये भी बिलकर तैयार है। और अब हम इसमें ये आलू का मसाला लेंगे और इस तरह से फैला देंगे। इसके ऊपर हम ये बिला हुआ दूसरा रोटी रखेंगे और इसको साइड से इस तरह से मोड़ देंगे। और हम इसको सूखे आटे में डिप करेंगे। और इसको बहुत ही हल्के हाथों से बेल लेंगे। ये देखिए तैयार है। हम इसको साइड में रख लेंगे। और आइए अब हम इस पराठे को भी बेल लेते हैं। इसके लिए मैं इसको फिर से एक बार सूखे आटे में डिप करूँगी और इसको बहुत ही धीमे हाथों से बेलेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप इसको घुमाएं नहीं। अगर आप इसको घुमाएंगे तो ये इसमें से आलू फट के बाहर आ जाएंगे। ये देखिए मैं धीमे हाथों से एकदम किनारों की साइड बेल रही हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल एकदम तैयार है। और आइए अब हम इनको सेक लेंगे। इसको सेकने के लिए मैंने पैन को पहले से ही तेज़ गर्म किया है। अब मैं इस पर पराठा डालूंगी और इसको थोड़ी देर सेकने दूंगी। जब आप देखें कि पराठे पर इस तरह के हल्के हल्के बबल्स आ गए हैं, इसको हम पलट देंगे और इस पर तेल डालेंगे। और अब हम हल्के हाथों से इस तेल को पूरे पराठे पर फैला देंगे और पराठे को फिर से पलट देंगे। और इस साइड भी हम हल्का सा तेल डालेंगे और उसको भी अच्छे से पराठे के ऊपर स्पैटला से फैला देंगे। आप यहाँ पर पराठे को सेकने के लिए तेल या घी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस पराठे को कई बार उलट पलट कर जब तक सेकेंगे जब तक कि इस पर गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स ना आ जाए और ये अच्छे से क्रिस्प ना हो जाए। आप इस पराठे को अचार के तेल से भी सेक सकते हैं। जो हमारा आम का अचार होता है उसमें काफ़ी सारा तेल होता है, तो जब अचार यूज़ हो जाता है उसमें काफ़ी सारा तेल बचता है। आप उस तेल को पराठे को सेकने में यूज़ करें, उससे पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि इस पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। ये सिककर बिल्कुल तैयार है। हम इसको हटा लेंगे और इसी तरह से हम अपना दूसरा पराठा भी सेकेंगे। और जब तक पराठा सिक रहा है मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जिससे कि आपके पराठे बहुत ही बढ़िया बनेंगे। सबसे पहले तो ये कि आप आटा मारते समय आटे में थोड़ा सा तेल डालें, इससे आटा काफ़ी इलास्टिक और सॉफ्ट गूंथेगा और पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। आलूओं को आप या तो घिस लें या फिर बहुत ही अच्छे से मैश करें जिससे कि उसमें एक भी लम्स ना रहे, इससे पराठा बेलते समय फटेगा नहीं। आप आलूओं के बॉल्स पहले से ही बना के रखें जिससे कि पराठे को भरने में बहुत ही आसानी होगी। आलूओं को पराठे में भरने के बाद आप उनको 5 मिनट के लिए छोड़ दें, इससे पराठे बहुत ही अच्छे बेलेंगे और फटेंगे भी नहीं। पराठे को बेलते समय आप ध्यान रखें कि उसको बिल्कुल हल्के हाथों से किनारों की तरफ बेलें, इससे आलू पराठे को बेलते समय बाहर नहीं आएगा। तो अगर आप ये कुछ टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके पराठे एकदम परफेक्ट बनेंगे।
आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा पराठा भी बनकर बिल्कुल तैयार है। हम इसे निकाल लेंगे। गर्मा गर्म पराठे आप चटनी, अचार या फिर दही के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो इन पराठों को बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ये ठंडे होने के बाद भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये पराठे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।